मुझे मालूम नहीं था कि कौन बुला रहे हैं, लेकिन नंबर से मैं नंबर दे दिया हूं मैं, और वो बुला रहे थे कि हमको बात करने का है, वो कुछ वायरल मैसेज के लिए। मैं बोला कि मैं काम कर रहा हूं, मैं बाद में आऊँगा, कोई बात है तो बतला दीजिए। तो बोल तो फिर दो चार बार कॉल आया मेरे को, फिर दूसरा दफ़े एक और कॉल आया, तो उस पर हमको धमकी दिया गया कि ऐसा करते हो घर पर आकर के मारेंगे। क्या मैसेज आपने कुछ मैसेज में आपने क्या कुछ कहा था? मैं बोला था कि मैं आऊँगा, मिलना है तो बाद में मिलेंगे करके। मैंने आपने सरकार के बारे में कोई मैसेज किया था, सूचना के बारे में कोई मैसेज किया था, क्या मैसेज किया था? नहीं, ऐसा एक कार्टूनिस्ट था, कोई कार्टून था वो आपका सोनिया गांधी जी का, पवार जी का, और अपना सीएम महाराष्ट्र सीएम जी का, उद्धव ठाकरे जी का, कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग मेरे को लगता है मारे। आपने फॉरवर्डेड मैसेज को जो फॉरवर्ड किया? हाँ, फॉरवर्डेड मैसेज को फॉरवर्ड किया। आप अपने तरफ से कुछ भी नहीं? नहीं, उसमें मेरा उस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, कार्टूनिस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कौन कार्टूनिस्ट है बनाया हुआ। मेरे को ऐसा कोई नाम नहीं बताया है, लेकिन सीसीटीवी पर आया हुआ है हमारा जो बसंत प्राइड का जो हमारा गेट पर सीसीटीवी लगा हुआ है, उन पर हमको मालूम नहीं है किस पार्टी के हैं वो एग्जैक्टली। कितने लोग थे लगभग? करीब 8-10 आदमी थे। क्या कुछ कह रहे थे आपसे? एक आदमी आवाज करके बोल रहा है कि ये आरएसएस बीजेपी का है करके, ऐसा इसको मारो। मतलब उनको किस बात को टेंशन था? आरएसएस बीजेपी से टेंशन था, या आपने जो ट्वीट फॉरवर्ड किया था उसको लेकर टेंशन था? अब पता नहीं, वही बतलाएंगे, मेरे को तो ऐसा कुछ, लेकिन मेरे को लगता है कि वो फॉरवर्ड हुआ है मैसेज उसके लिए हुआ है फॉरवर्ड मैसेज। मुंबई पुलिस ने आपकी क्या मदद की अभी तक? मुंबई पुलिस मेरे को अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मैं देख रहा हूँ। मैं वो अभी तो साथ में लेकर के गए हुए थे हमको मेडिकल कराने के लिए। अच्छा। लेकिन उसके पहले एक ऑलरेडी आ गए थे मेरे दरवाजे पर, बुला रहे थे कि पुलिस स्टेशन आ जाओ फोन करके। अच्छा, मतलब पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंची थी? हाँ, पहुंची थी। क्या कहना है ऐसी एक दूसरे से लगातार राजनीति हो रही है सरकार को लेकर, कंगना रनौत को लेकर, तो क्या कहेंगे ऐसे में, क्यों ऐसी चीजें सब सामने आ रही है? सर, एक्चुअली ये जो चल रही है देश में हम देख रहे हैं, हम तो फौजी हैं, देश नेवी में थे और देश के लिए, हाँ हम तो हिंदुस्तान के लिए काम किए थे, ना तो कोई राज के लिए और ना तो कोई जात के लिए हमने नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो अभी हो रही है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अभी समय हिंदुस्तान में हो रहा है वो कितना सही है? ये तो बहुत गलत हो रही है, बहुत गलत हो रही है इस तरह का जो। क्या कहेंगे इस तरह की सरकार को, जो सरकार चला रहे हैं उनको क्या कहेंगे? ये सरकार मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए इस तरह का सरकार, ये पूरा नेपोटिज्म में चल रही है सरकार। आप कुछ प्रतिक्रिया देंगे सरकार को? सरकार को देंगे कि सरकार को अपना मतलब कि जात पात छोड़ करके और समाज के सेवा के ऊपर आए, देश के प्रगति के लिए वो काम करे, ना तो नेपोटिज्म में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।